सिवान में महावीरी झंडा मेले में एक बार फिर अश्लीलता की हदें पार हुई है। यहां मेले के जुलूस में डांसर्स को बुलाया गया और रात भर फूहड़ डांस हुआ। पूरा मामला सिवान जिले के भगवानपुर हाट में लगने वाले महावीरी झंडा मेले के दौरान का है। आइए जानते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूले। बता दें कि सिवान में 5 सितंबर को जुलूस में पूरी रात अश्लील गीतों पर नर्तकियों ने ठुमके लगाए। इसके बाद 6 सितंबर को मेले के दौरान रात तक प्रशासन से नजरें छुपाते हुए अश्लील गीत बजे, जिस पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पहले ही जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगने वाले महावीरी झंडा मेला में ऑर्केस्ट्रा के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद भी प्रशासन के नियमों को ताक पर रखते हुए पूरी रात अश्लीलता की प्रदर्शनी की गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भोजपुरी अश्लील गीतों पर एक दो नहीं बल्कि स्टेज पर 6-6 नर्तकियों ने एक साथ ठुमके लगाए। दो बार बालाओं के द्वारा अश्लील गीतों पर अश्लील डांस किया जा रहा है। इस बीच मौके पर दर्शक के रूप में मौजूद लोगों ने पूरी रात वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर सुबह होते ही शेयर कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। भगवानपुर हाट थाने में जब नर्तकियों द्वारा अश्लील डांस की बात कही गई, तो उन्होंने मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि यह घटना पहली नहीं है। अगस्त में भी भोजपुरी धार्मिक गानों और जय श्री राम के नारों के बीच बार बालाओं का अश्लील डांस करते हुए वीडियो सामने आया था, जबकि जिला प्रशासन ने तब भी पहले ही इस तरह के गानों और अश्लीलता को लेकर आगाह किया था। कड़ी हिदायत के बावजूद भी फुअड़ और भक्ति सभी गीतों पर बार बालाओं ने अश्लील डांस किया था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आरती। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।